Hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to discuss one important theory in your dividend policy chapter. This is called as Walters model. Walters model ka purpose kya hai, kya kaam aane wala hai, iska formula kya hai, iske andar assumptions kya kya hai, ye sab cheeze hum dekhne wale hain is lecture mein. Walters model ka basic purpose ye hai ki kisi company ke share ki market price nikalna. Sir, kya baat hai, sahi hai. अगर हम आज कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस निकालना सीख गए तो क्या हम मार्केट में जाके ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ थ्योरी है. ऐसी हजारों थ्योरीज है जो मार्केट में है अपने अपने अजम्पशंस के हिसाब से. ये थ्योरेटिकल है, ये सब्जेक्टिव है. एक्चुअल मार्केट प्राइस किसी और बेसिस पे डिसाइड होती है. डिमांड एंड सप्लाई वन ऑफ द मेजर रीजन. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू सर, इस थ्योरी का हम कैसे यूज करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज है. मान लो एक कंपनी लेते हैं, स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, शेयर बिक रहा है मान लो 2000 रुपए का. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास में कि क्या ये शेयर मैंने खरीदना चाहिए या क्या ये शेयर मैंने शॉर्ट सेल में बेच देना चाहिए, या मेरे पास होगा तो मैंने बेच देना चाहिए. मतलब वेदर टू टेक अ बाय कॉल ऑन दैट और अ सेल कॉल ऑन दैट, ये कैसे डिसाइड करेंगे? अगर चीज वो जो है 2000 में जो मिल रही, वो चीज अगर सस्ती है तो खरीद लो, और कोई भी चीज अगर महंगी है, महंगी चीज आप खरीदते हो क्या? नहीं, महंगी है तो बेच दो. सस्ती है मतलब अंडर वैल्यूड, महंगी है मतलब ओवर वैल्यूड. और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सर सस्ती है कि महंगी है? ये हम डिसाइड करेंगे कि उस, ये निकाल के कि उस शेयर की मार्केट प्राइस होनी कितनी चाहिए थी. है कितनी? 2000. दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल मार्केट प्राइस. लेट्स सी, स्टार्टिंग से लेते हैं. बेसिकली आपके पास में किसी कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस दी हुई रहेगी. दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल मार्केट प्राइस. लेट्स से 2000 रुपीज. आपको निकालना पड़ेगा थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस. ठीक है, जो हम थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरी के बेसिस पे निकाली हुई शेयर की प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्टर्स मॉडल से निकाली हुई प्राइस इस लेक्चर में. अगले लेक्चर में नई थ्योरी, तो नई थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस. ये टीएमपी जो है थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस चेंज होगी जब जब आप थ्योरी चेंज करोगे. एक्चुअल मार्केट प्राइस तो सेम रहेगी. अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद एक्चुअल मार्केट प्राइस ज्यादा है या कम है हम ये डिसाइड करेंगे थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस से. उसके बाद डिसाइड करेंगे कि शेयर्स आर ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड, और उसके बाद डिसाइड करेंगे देयर फोर यू शुड बाय और सेल द स्टॉक. सो मेन पर्पज ये हो गया, ये डिसीजन लेना. ठीक है, यहां तक कहानी. अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस कैसे निकाला जाएगा अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल. वॉल्टर्स मॉडल का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आया कहां से और उसका बेसिस क्या है ये पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा. ठीक है, अच्छा कुछ अजम्पशंस लेते हैं, पहले ये ध्यान दो. ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन, कंपनी का अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर ऑफ द फर्म विल बी कांस्टेंट. मतलब हर साल कंपनी की अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, ये एक अजम्पशन. दूसरा, फर्म विल हैव इनफाइनाइट लाइफ. फर्म की लाइफ इनफाइनाइट है, कभी खत्म नहीं हो रहा. ठीक है, एक दो अजम्पशंस और है, मैं बाद में बताता हूं, पहले कुछ डिटेल ले लेते हैं, ध्यान दो. मान लो कि यह है टाइमलाइन, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, और ये चले जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और चले जा रहे हैं. नाउ कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखो कितना है, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया कि अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट रहेगा. तो लेट से कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 5, यानी कंपनी ने कमाया है 5 रुपए हर साल और कंटिन्यूअस.
ठीक है, इसमें से कंपनी बांटती है डिविडेंड पर शेयर। लेट्स से कंपनी ने डिविडेंड बांटा 2 रुपए। अब परपेचुअली अगर 5 रुपए कमाती जाएगी कंपनी, तो परपेचुअली 2 रुपए कंपनी डिविडेंड बांटती जाएगी। गुड, ओके। अब बचा कितना? रिटेन्ड अर्निंग्स 3, 3, 3, 3, 3। चलो ठीक है। अब ये जो 3 रुपए हैं, अच्छा दो चीजें डिसाइड करते हैं। डिविडेंड पर शेयर किसके हाथ में जाएगा? इन्वेस्टर के हाथ में जाएगा। उसी इन्वेस्टर ने हमने कुछ पैसा लिया था जिसका यूज करके हमने 5 रुपए कमाया, और क्योंकि वो 5 रुपए उसके पैसों से कमाया था इसलिए उसको रिटर्न देना बनता है इसमें से। तो 5 में से 2 हमने डिविडेंड उसको बांट दिया, बचा 3 जो कंपनी में वापस इन्वेस्ट होगा। री इन्वेस्टमेंट इसको बोलेंगे हम। ये 3 रुपए री इन्वेस्ट होगा। अब ध्यान दो, हमने पुराने जो जो शेयर होल्डर थे उससे पैसा कहाँ लिया था? यहां लिया था 0 पॉइंट पे। तो अर्निंग चालू हुई नेक्स्ट ईयर से। अगर ये 3 रुपए कंपनी जो ने जो कमाया और जो रिटेन करके रखा वो यहां पे इन्वेस्ट करती है, तो अर्निंग कहां से शुरू होगी? सेकंड ईयर से। सेकंड ईयर का 3 रुपए अगर वहां री इन्वेस्ट करती है तो अर्निंग कहां शुरू होगी? थर्ड ईयर से। और कब तक अर्निंग मिलती जाएगी? परपेचुअली, लाइफ तो परपेचुअली, करेक्ट। नाउ अब एक चीज लेते हैं। मान लो कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दिस इज आरओआई। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी जितना भी इन्वेस्ट कर रही है उस पर कितना परसेंट कमा रही है, आरओआई। ठीक है, लेट्स से कंपनी का आरओआई है 12%। मैं कहीं लिख लेता हूं ये डेटा, यहां ले लो। ठीक है, तो हम यहां डेटा ले रहे हैं। अर्निंग पर शेयर है कंपनी का 5, डिविडेंड पर शेयर हमने लिया 2, ठीक है, कंपनी का आरओआई मान लो 12%। मतलब कंपनी 1 रुपया इन्वेस्ट करेगी तो उस पर 12% कमाएगी। अब कमाई कहाँ होगी? अगर आज इन्वेस्ट किया तो एंड में होगी ना, ईयर एंड में, ठीक है। तो ये 5 रुपए भी वैसे ही कमाया हुआ। अब आप 5 बाय 12% करोगे ना तो आपको मिलेंगे इसको 60 रुपए। 60 और 12 नहीं, कितना मिलेगा मैं बताता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय 0.12 यानी 41.67। तो 0 टाइम पे ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, छोड़ दो। अब ध्यान दो, ये 3 रुपए कंपनी के पास में ही है। ये 3 रुपए कंपनी री इन्वेस्ट करेगी और अगले साल उस पर वापस 12% कमाएगी। सर गलत बोल रहे हो, एक चीज डाउट आ गया मेरे माइंड में। सर ये जो 12% था ये तो पहले साल का था, नेक्स्ट ईयर भी 12% होगा, इसके क्या गारंटी? गारंटी नहीं है, लेकिन यही हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है कि आरओआई भी कांस्टेंट रहेगा। सो 12% कांस्टेंट आरओआई। तो अब मेरे को बताओ, ये जो 3 रुपए हैं, ठीक है, ये जो 3 रुपए हैं इस पे 12% कमाया जाएगा, कितना होता? 0.36। और ये 3 रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया आज, तो ये 3 रुपए पे आप परपेचुअली 12% कमाते जाओगे। दैट इज 0.36, 0.36, 0.36, 0.36। आई बात समझ में? ये जो 0.36 आपको दिख रहा है ये सिर्फ पहले साल के 3 रुपए की फिगर है, ठीक है। अब मैं लेता हूं दूसरा, दूसरे साल भी मैंने 3 रुपए कमाया और रिटेन किया कंपनी ने, तो इन्वेस्ट करेगी उस पर 12% कमाएगी, तो अगले साल से उसका 0.36 मिलेगा। 0.36, 0.36, 0.36 एंड सो ऑन, आगे जाते जाएगा, मैं यहां रुक नहीं रहा हूं, ठीक है। थर्ड वाला आइटम ले लो, इस पे भी कंपनी वैसी करेगी, 3 रुपए इन्वेस्ट किया, 12% कमाएगी अगले साल से, 0.36, 0.36 एंड सो ऑन। लास्ट वाला भी ले लेते हैं एक, इस पे भी कंपनी 12% कमाएगी, 0.36, 0.36, 0.36 एंड सो ऑन, ठीक है। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग
अब ध्यान दो, एक कंसेप्ट दिमाग में लेके आते हैं, थोड़ा सा यहां पॉज करना उसको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर आपने कभी पढ़ा होगा, कैपिटल बजटिंग में भी अगर आपने कभी देखा होगा, तो परपेचुटी नाम का एक कंसेप्ट था, जिसका कंसेप्ट क्या बोलता है मैं आपको बताता हूं। आपसे पूछा जाता है कि आपको एक अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में उस पे हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट की अमाउंट भी आपको दी हुई है 10 रुपए। यानी आज एक अमाउंट इन्वेस्ट किया उस पे 10% लगेगा, तो पहले साल 10 रुपए, फिर से उस पे 10% लगेगा तो फिर 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये फ्यूचर में आपको 10-10 रुपए मिलने वाले हैं परपेचुअली, उन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोस कितनी? ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10। अब कहीं लिमिट तो है नहीं, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? परपेचुटी का कंसेप्ट बोलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कैश फ्लोस इज नथिंग बट द एनुअल अमाउंट जो आपको मिल रही है, दैट इज ₹10 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 10%। सो 10 रुपए डिवाइडेड बाय 10% करोगे तो आएगा आंसर 100। ये 100 आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि आज 100 इन्वेस्ट करोगे तो उस पर 10% लगेगा, और एक साल के एंड में 0 पे इन्वेस्ट करने के बाद एंड में 10 रुपए मिलेगा। 100 पे 10%, 10 रुपए, 100 पे 10%, 10 रुपए, 100 पे 10%, 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10। 3 फैक्टर है इस केस में जो मैंने आपको अभी समझाया। यहां पे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं परपेचुटी, जो थी 100 रुपए, ये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो हर साल आपको मिलने वाली है वो है 10 रुपए, उसको बोलते हैं एन्युटी, और जो रेट से आपको मिलने वाला है दैट इज 10%। सो ये 10 रुपए डिवाइडेड बाय 10% करोगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, पी इज इक्वल टू एनुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 0.10, दैट इज 100। यही 100 क्या है? आने वाले सालों में जो 10-10 रुपए आपको मिलने वाले हैं परपेचुअली, उन सबकी आज की वैल्यू। ठीक है ना, आपको ये तो समझ में आ रहा है? 100 जीरो टाइम पे करोगे तो 10 रुपए फर्स्ट ईयर के एंड से मिलना शुरू होंगे। क्यों ये मैंने समझाया? क्योंकि अब ये कंसेप्ट हम यहां लगाने वाले हैं। ठीक है, इन्वेस्टर के एंगल से देखो, इन्वेस्टर के एंगल से इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है? ये 2 रुपए मिल रहा है, पहली बात तो हर साल मिल रहा है, तो ये 2 रुपए की इन्वेस्टर के लिए आज की वैल्यू कितनी? सिंपल सी बात है, मैंने यहां पे भी यही कंसेप्ट समझाया था, अगर आपको हर साल 10 रुपए मिलने वाले हैं तो आज कितना इन्वेस्ट करोगे? 10% से 100 रुपए। सेम चीज अगर मैं इन्वेस्टर को बोलूं कि भाई तेरे को हर साल 2-2 रुपए मिलने वाला है, तो आज कितना इन्वेस्ट करेगा तू आज? तो उन 2 रुपए की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो अगले साल से मिलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो 2 रुपए डिवाइडेड बाय कौन सा रेट करना? उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो वो चाहते हैं। यहां मैं 10% चाहता था, ठीक है, सो लेट्स टेक ROI, तो ROI तो 10-12% कंपनी का था। इन्वेस्टर, ये ROI जो है ये कंपनी का है, ठीक है, 12%, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन, कि शेयर होल्डर हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से वो है 10%। अजम्पशन ये बोलता है कि ROI एंड की विल बी कॉन्स्टेंट, वो भी मतलब ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा हर साल, ठीक है, 10%, 12%। यानी इन्वेस्टर हमसे कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 10%। तो इन्वेस्टर के एंगल से देखो, भाई मेरे को हर साल 2 रुपए मिल रहे हैं ना, 10% रिटर्न चाहिए, 2 रुपए डिवाइडेड बाय 10% आता 20, ये रहा 2 रुपए डिवाइडेड बाय 10% आता 20। ये 20 क्या है? ये 20 हर साल जो 2 रुपए मिलने वाले हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू है। सो दिस इज व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग नाउ, ये डिविडेंड पर शेयर की प्रेजेंट वैल्यू 0 पॉइंट पे 20 रुपीज आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय 0.10। 2 रुपए क्या है? हर साल मिलने वाला कैश फ्लो, 10% KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन। चलो ठीक है, क्या इन्वेस्टर का इस कंपनी में सिर्फ 2 ही रुपए है? नहीं, इन्वेस्टर को 2 रुपए मिले
वो 41 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद, 41 कहाँ से आया, ये 5 डिवाइडेड बाय 12% किया था हमने, ठीक है ठीक है। ये जो 3 रुपए था ये भी इन्वेस्टर का पैसा था, लेकिन ये कंपनी में ही रहा और वापस इन्वेस्ट हो गया, तो कंपनी भी इन्वेस्ट करेगी ना कहां पे, कंपनी के हाथ से तो चला गया, तो ये 3 रुपए भी मैटर नहीं करता। आ रही बात समझ में? दो तरीके से समझाता हूँ आपको। ये 5 रुपए कमाया आपने, तो 5 रुपए के लिए कुछ इन्वेस्ट किया होगा, वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया हमने, नहीं किया। हमने क्या कंसिडर किया, उस इन्वेस्टमेंट पे जो 5 रुपए की अर्निंग हो रही है वो। वैसे ही ये 3 रुपए जो बचा है ये कंपनी री इन्वेस्ट करेगी, इसको कंसिडर मत करो, ये काम का नहीं है। 3 रुपए पे जो अर्निंग होने वाली है वो आपके काम की, दैट इज 0.36। सो इस 3 रुपए पे हर साल 0.36 मिलने वाले हैं। तो सर इस 0.36 को कंसिडर करना है क्या? हाँ सर। ये 3 को कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं, छोड़ दो। क्या सर प्रॉफिट ही काम का है? हाँ, 0.36 गेन इज 0.36, ऑन इन्वेस्टमेंट इज 3, ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स इज 3। 3 रुपए का रिटेन अर्निंग को इन्वेस्ट करने के बाद 0.36 का गेन हुआ। तो ये 0.36 के गेन की आज की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आज की वैल्यू मतलब जहां से भी मिलना शुरू होता है उसके 1 साल पहले की वैल्यू होती है वो। जैसे ये 10 रुपए पहले साल के एंड में मिलना शुरू हुआ तो 0 पॉइंट की वैल्यू थी 100, 2 रुपए पहले साल के एंड में मिलना शुरू हुआ तो 20 रुपए 0 पॉइंट की वैल्यू है। अब ये बताओ अगर 0.36 अगर आपको सेकंड ईयर में मिल रहा है तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, इन सब की परपेचुटी की वैल्यू कैसे निकालोगे? पी इज इक्वल टू 0.36 डिवाइडेड बाय 10, 0.10 ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो 3.6 है ना। और ये 3.6 कहां की वैल्यू होगी पता है आपको? ये इन सब की आज की वैल्यू है 3.6, ये यहां की वैल्यू है जस्ट 1 साल पहले की, क्योंकि यहां इन्वेस्ट करोगे तो ना जाके आपको 0.36 मिलेगा नेक्स्ट ईयर। सेम चीज, ये तो सिर्फ 3 रुपए की वैल्यू 3.6 आई, ये जो 3 रुपए इन्वेस्ट किया इस 0.36 की वैल्यू 3.6। आ रही है बात समझ में? इस 0.36 की वैल्यू 3.6 और लास्टली इस 0.36 की वैल्यू 3.6। सर बढ़िया है, लेकिन सर अभी भी दिक्कत है। हमने ये 20 रुपए तो 0 पॉइंट पे लेके आ गए। इन्वेस्टर को क्या डिसाइड करना है कि मैं आज कितना इन्वेस्ट करूं, आज कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो 20 रुपए तो समझ में आ गया सर ये आज की वैल्यू है, लेकिन ये 3.6 तो अब हर जगह फैल गया, हर जगह फैल गया 3.6। सर इन सब 3.6 की आज की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। पहले तो 0.36 की उस पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू निकाली, 0.36 एक, फिर दूसरा 0.36 दो, फिर तीसरा 0.36 ऐसे, तो हर साल की प्रेजेंट वैल्यू आई गेन की 3.6, 3.6, 3.6, 3.6, 3.6 एंड 3.6। अब इन 3.6 की वापस से आज की वैल्यू निकालो, है पहले साल के एंड में मिल रहा है 3.6 अगर इस, और सेम कैश फ्लोज है हर साल, अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 36, दैट इज 3.6 डिवाइडेड बाय 0.10। यानी सिंपल सा मतलब है, कम शेयर होल्डर को मतलब किससे है? डिविडेंड से। दूसरा कि कंपनी रिटेन अर्निंग पे एक्स्ट्रा कितना कमा रही है, कंपनी रिटेन अर्निंग पे 12 और 10 कितना, सिर्फ 2% एक्स्ट्रा कमा रही थी है ना। 2% यानी कि टोटल अगर 12 और 10 में देखो तो 20% का फर्क आता, जैसे मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। दो चीजें इन्वेस्टर के लिए मैटर करती है, एक तो डिविडेंड की अमाउंट जो थी आपकी 2 रुपए, दूसरा तो रिटेन्ड अर्निंग्स पे एक्स्ट्रा कितना कमा रही है कंपनी। एक्स्ट्रा बोले तो मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर कितना कमा रही है। मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी कि 10% कमाया जाए, 3 पे 10% होता है 0.30, कंपनी कितना कमा रही है 12%, तो 3 पे 12% होता है, 3 पे 12% 0.36 करेक्ट। तो कंपनी कितना एक्स्ट्रा कमा के दे रही है 0.06 का एक्स्ट्रा कमा के दे रही है। सो वो इंडेक्स आ गया आपका 1.2 का, मतलब 12 बाय 10 आपको ऐसे ही मिल जाएगा एक्स्ट्रा कितना कमाया, सो दैट गोज टू 3.6।
ठीक है, हर साल इन्वेस्टर को 2 रुपए मिलेंगे, हर साल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिटेन्ड अर्निंग का, वर्डिंग्स पे ध्यान दो, हर साल रिटेन्ड अर्निंग्स का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पे जो परपेचुअली गेन होने वाले हैं 0.36, 0.36, 0.36, 0.36, उसकी वापस आज की वैल्यू इज 3.6। तो हर साल लॉजिकली स्पीकिंग, प्लेन लैंग्वेज में माइंड क्लियर करो, हर साल अगर दूसरे एंगल से बोलूं तो 2 और 3.6 इन्वेस्टर को मिलने वाला है। हर साल 2 और 3.6 मिलने वाला है तो सर कितना मिलने वाला है, 5.6 हर साल मिलने वाला है। तो उसकी आज की वैल्यू कैसे निकालना है, डिवाइड बाय 10, दैट्स 56। ये रहा 20 और 36 इज नथिंग बट 56। दिस शुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। सर इसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्या अपन? हाँ सर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर? ध्यान दो, मैं बोला सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, डिविडेंड दो 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 रुपए, और ये 20 रुपए उसकी प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट मैटर्स इज 20। सो पहली आइटम जो हो गई वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड 2/10%, दैट्स 20। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स वो कितनी है सर? वो ऐसे निकलेगी, ध्यान देना अब ये वाला आइटम काफी इंपॉर्टेंट, 0.36 हर साल मिला, उसको डिवाइड बाय 10 किया, 0.10 किया तो 3.6 आएगा, उसको और 0.10 करोगे तो 36 आएगा, क्योंकि ये 3.6 भी आपको हर साल मिलने वाला है, 0.36 हर साल, 3.6 हर साल, सो आएगा 36। इसी को मैं अब आपको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो मैं इक्वेशन फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान दो, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 2/0.10 प्लस 0.36/0.10/0.10। तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.10 कॉमन ले लिया नीचे में, 2 प्लस 0.36/0.10, और ले लो 2 क्या था आपका डिविडेंड, ठीक है, प्लस ये 0.36 और 0.10 का देखो क्या है लॉजिक, आरओआई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ब्रैकेट रिटेन्ड अर्निंग, कर लो 3 रुपए पे 12%, 0.36 कैसे आया, 3 रुपए पे 12%, 3 रुपए रिटेंशन, आरओआई 12%, 0.36 डिवाइडेड बाय के, यानी 0.10 डिवाइडेड बाय के, इसको और मैं लिख लेता हूं स्पेसिफिकली, डिविडेंड प्लस आरओआई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ब्रैकेट रिटेन्ड अर्निंग, कहां से निकलता है, अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड पर शेयर जब माइनस कर देते हैं, सो अर्निंग पर शेयर में से डिविडेंड पर शेयर माइनस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा, एंड दिस बिकम्स योर थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। ध्यान दो, वॉल्टर्स मॉडल में 2 हिस्से हैं, डी यानी डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू केई से आती है, ये सबसे नीचे जो केई है वो, और ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है ये है कि रिटेन्ड अर्निंग्स को इन्वेस्ट करने के बाद जो गेन हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 3.6, फिर अगले साल के रिटेन्ड अर्निंग को इन्वेस्ट करने के बाद जो गेन हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 3.6, फिर अगले साल के रिटेन्ड अर्निंग को इन्वेस्ट करने के बाद जो गेन हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 3.6, तो 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6, सर अब 3.6 3.6 3.6 3.6 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी, 36, दैट इज के। सो ये जो 0.36 है ये 2 बार के से डिवाइड हो रहा था, यहाँ देखा 0.36 डिवाइड बाय 0.10 0.10, ये भी देखो 0.36 ऊपर वाले से आंसर आता, डिवाइड बाय के डिवाइड बाय के। दिस इज व्हाट योर वॉल्टर्स मॉडल इज, तो वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 56 आनी चाहिए, क्योंकि हमने ये फिगर्स अलग ली है और वो फिगर अलग ली है। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं,
या फिर हम एक काम करते हैं, एक्चुअल मार्केट प्राइस को मैं चेंज कर देता हूँ. लो एक्चुअल मार्केट प्राइस, सपोज एक्चुअल मार्केट प्राइस थी 50, ठीक है, और हमारी थेरोटिकल मार्केट प्राइस कितनी आई है 56. यानी एक्चुअल मार्केट प्राइस थेरोटिकल मार्केट प्राइस से कम है, यानी कि मार्क कितनी प्राइस होनी चाहिए थी शेयर की, सर 56 रुपए होनी चाहिए थी हमारी थ्योरी के हिसाब से. तो मार्केट में कितने में मिल रहा है सर? 50 रुपए में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है. मेरे हिसाब से तो 56 होना चाहिए था, 50 में ही मिल रहा है, खरीद लो. दैट मीन्स बाय, मतलब वो शेयर अंडर वैल्यूड है. शेयर्स आर अंडर वैल्यूड, देयरफॉर बाय स्टॉक, ये डिसीजन निकलता है. उल्टा रहता ना तो ओवर वैल्यूड आता और सेल स्टॉक आता. सो बेसिकली दिस इज योर एंटायर कंसेप्ट ऑफ द वॉल्टर्स मॉडल. वॉल्टर्स मॉडल आपको समझ में आया? वॉल्टर्स मॉडल में जो मार्केट की प्राइस निकलती है वो इन दो चीजों से निकलती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग. तो ये सेकेंड वाला पार्ट आपके समझ में आना बहुत जरूरी है, जिसमें डबल ये हो रहा है पॉइंट इन पॉइंट इन से. तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनता है, इस तरह से हमने फॉर्मूला डिराइव भी कर लिया. अजम्पशंस ये हैं और क्या है, ईपीएस डीपीएस. अच्छा एक और अजम्पशन है वो भी लिख लो. तीन हो गए ना, यहां ले लेता हूं मैं. इन्वेस्टमेंट कंपनी जितने भी करेगी ना आगे आर फाइनेंस्ड, तो वो पैसा कहां से आएगा? एंटायरली बाय रिटेन्ड अर्निंग्स. मतलब सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में रिटेन्ड अर्निंग से जमा किए हुए पैसों से ही होगा. मतलब बाहर से कोई पैसा नहीं उठाएंगे, ना डेट ना प्रेफरेंस ना कुछ ना कुछ ना कुछ. जितनी भी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है भाई, हम तो रिटेन्ड अर्निंग से ही वो फुलफिल करेंगे, बाहर से कोई सोर्स से पैसा नहीं आएगा. दिस इज वन मोर अजम्पशन अंडर वॉल्टर्स मॉडल. सो दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ द वॉल्टर्स मॉडल सीज. इफ यू कैन जस्ट नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस लेक्चर, यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी. बाय बाय.